Mawlana Muhammad ये किताब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि लफ्ज बफ्ज कशफुल महजूब में जो लिखा है उसे आपके सामने पेश किया जाए मगर फिर भी हमसे कोई भूल हुई हो तो दाता साहब से माफी चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ कोई बात समझ में ना आ रही हो तो उसे आप महजूब से किताब से मिलाकर सही मानी पता कर सकते हैं ताकि आपको सही मालूम मिल सके हम सबको अल्लाह अपने हबीब वसल्लम सल सदके तोफ़ी दे कि हम सही इल्म हासिल करें और उस पर चलकर कर मार्फते इलाही हासिल करें अल्लाह ताला हम सब सबका हामीनासर और मदद करने वाला है बेशक वही ज़ात है जिसने हमें पैदा किया और वही हमें अपनी तरफ लौटाने वाला है हवा की हकीक़त और तरक शहवत की बहस बिल्लाम बिस्मिल मौलाना मुहमदिन मबारक वसलम हवा की हकीकत और तरक शहवत की बहस अजीज़ अल्लाह ताला तुम्हें इज़्ज़त दे जानना चाहिए कि एक ग्ररोह के नज़दीक असनाफ नफ्स में से एक वजफ हवा यानी ख्वाहिश है और एक ग्ररोह के नज़दीक तभी इरादा ख्वाहिश का और मुदबर है इसका नाम हवा है जिस तरह रूह के लिए अकल है और हर वह रूह जिसकी अपनी अफजाइश में अकली क़वत ना हो नाकस होती है इसी तरह हर वो नफ्स जिसके लिए हवा की कौत ना हो नाकिस होती है लिहाजा रूह का नाकिस होना गुर्बत का नुस है और नफ्स का नाकिस होना ऐनबत है बंदा के लिए हमेशा दो दावतें होती हैं एक अक़ल की तरफ से दूसरी हवा की तरफ से जो अक़ल की दावत को कबूल करके इसका मती बन गया वो साहिब ईमान हो गया और जो हवा की दावत को कबूल करके इसका फर्मा बर्दार हो गया वो जलालत वफ़र में पड़ गया लिहाज़ा हवा वासिलों के लिए हिजाब और गुमराह करने वाली चीज़ है गाफिलों के लिए जाए क़्याम है और तालिबों के लिए महल आराज है बंदे को इसके खिलाफ अमल करने का हुक्म दिया गया है और इसे इसके अरतकब से रोका गया है जिसने इसकी सवारी की यानी फर्मा बरदारी की वो हलाक हुआ और जिसने इसके खिलाफ किया वो मालिक हुआ अल्लाह तला फरमाता है वो अम्मान खाफा मकाम रब्बी ही

मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा खौफनाक हवा की पैरवी और, और उम्मीदों की दराजी है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अनुमा आया करीमा की तफसीर में फरमाते हैं के आरा ता मन तहजा हुआ अलाफ़ुर्क़ान आय तैतलिस क्या तुमने इसे देखा जिसने अपनी हवा को अपना मबूद बना लिया यानि ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया वो शख्स काबिल अफ़सोस है जिसने हक तला के सिवा अपनी ख़्वाहिश को अपना खुदा ठहरा कर अपनी ताकतें रात दिन इसकी अतात तो व चापलूसी में सिर्फ कर दीं ख्वाहिहिशातें नफसानिया की किस्में तमाम नफसानी ख्वाहिशें दो किस्म की हैं एक लज्जत और शहवत की दूसरे लोगों में इज्जत मंजलत की जो शख्स किसी लज्जत का गुलाम है वो शराब ख़ाना में है लोग इसके फितना से महफूज हैं लेकिन जो शहवत और लोगों में इज्जत मंजिलत का ख़्वाहिशमंद है वो हिरसो तमा और ख़्वाहिशात के चक्रों में फंसा हुआ है वो लोगों के लिए फितना है खुद तो राह हक से बरगशता है दूसरों को भी इस गुमराही में फंसाता है मताबतुल हवा जिसकी हरकतें ख्वाहिश नफ्स की पैरू हैं और वो इनका दिलदादा है वो हक के ताला से दूर है अगरचे वो तुम्हारे साथ मस्जिद में शरीक जमात ही क्यों ना हो और जिसकी हरकतें ख्वाहिशात से पाक हैं और वो इसकी पैरवी से नफ़रत करता है वो हक ताला के नज़दीक है अगरचे किसी दीर ही में क्यों ना हो एक राहिब की नफ्स की कुश्ती हज़रत इब्राहिम ख्वास अलह बयान करते हैं कि एक मरतबा मैंने सुना के रोम में राहिब है जो सत्तर साल से कलीसा में जहादो रहियत में मसरूफ़ है मैंने ताजुब से कहा कि रहबानियत की शर्त तो चालीस साल होती है यादमज़ाद किस मज़हब पर सत्तर साल से क़नीसा में बैठा हुआ है चुनाचे में इससे मिलने गया इसने खिड़की खोलकर मुझसे बातचीत की और कहा इब्राहिम, मैं जानता हूँ कि तुम किस लिए आए हो मैं यहाँ रहबानियत की गर्ज से सत्तर साल से नहीं बैठा हूँ बल्कि मेरे पास एक कुत्ता है जो ख्वाहिश में सरकश है मैं इस कुत्ते की रखवाली कर रहा हूँ ताकि लोग इसके शर से महफूज रहें वरना मैं यहाँ ना होता मैंने जब राहब की यह बात सुनी तो खुदा से मुनाजात की अः खुदा तू बड़ा कादिर है खुली गुमराही में पड़े हुए शख्स को भी सही रास्ता दिखाता है फिर राहिब ने मुझसे कहा अः इब्राहिम तुम कब तक लोगों की तलब में रहोगे जाओ पहले अपने आप को तलब करो जब तुम अपने आप को पा जाओ तो इसकी निगेबानी करो क्योंकि हर रोज़ ये हवा यानी नफसानी ख्वाहिशें 360 सौ साठ किस्म की अलूहियत का लिबास पहनकर बंदे को गुमराही की तरफ बुलाती हैं गर्ज के शैतान का बंदे के दिल और बातिन पर इस वक्त तक कब्ज़ा नहीं हो सकता जब तक के मासीत नाफरमानी का जज्बा और ख़्वाहिश इसके अंदर ना भराए जिस वक्त बंदे के अंदर ख्वाहिश ने सर उठा लिया इसी वक्त शैतान इस पर कब्जा हो जाता है और दिल में आराम करता है और इसके बातिन में जम कर बैठ जाता है इस हालत का नाम विश्वास है इसकी इब्तदा हवा व ख्वाहिश से होती है वलबाद अजलम पहले पहल करने वाला ज्यादा ज़ालिम होता है यह मतलब अल्लाह ताला के इस फरमान से माखूज है जो अल्लाह ने इबलीस से फरमाया था और इसने कहा था मैं तमाम आदमियों को राह हक से वरगलाऊंगा हक के ताला ने फरमाया, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान आयत बयालिस खास बंदों पर तेरा कोई कब्जा इख्तियार नहीं है दर हकीकत शैतान ही बंदे का नफ्सो हवा है इसी वजह से हजूर अक्रम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स ऐसा नहीं है जिस पर इसका शैतान गालिब ना आता हो बजुज हज़रतमर फ़ारूक रज़ी अन होके वो अपने शैतान पर गिब आ गए हैं इस हदीस में शैतान से मुराद बंदे की निफसानी ख्वाहिशें हैं लिहाजा आदमी के सरशित में ही हवा की तरकीब है जैसा कि हजूर अक्रम सल वसम का इर्शाद है हवा और शहवत से अबन आदम का खमीर मुरकब है तरक होवा बंदे को अमीर करता है और इसका अरतक अमीर को असर बनाता है चुनाचे जुलैा ने हवा यानी ख़्वाहिश का अरतकब किया वो अमीर थी असीर हो गई हज़रत अलैहिस्सलाम ने तर्क हवा किया तो वो असीर थे फिर अमीर बन गए हजरत जुनेद बदी अलैह से किसी ने पूछा वसल क्या है फ़रमाया ख़्वाहिश के इरतकब को तर्क करना जो शख्स चाहता है कि हक ता के विसाल से मुशर्रफ़ हो इससे कहो कि जिसम को ख़्वाहिश के ख़िलाफ़ करे क्योंकि बंदा को कोई इबादत हक़ से इतना करीब नहीं करती जितनी हवा की मुखालफत हवा की मुखालिफत करने वाला ही ज्यादा बुजुर्ग है क्योंकि आदमी के लिए नाखून से पहाड़ खोदना इसके ज़्यादा आसान है कि वो अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करे, ख्वाहिश पर कदम रख कर उड़ा हज़रत जुअुल्लून मिस्री रहमतुल्ला बयान करते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा जो फिज़ा में उड़ रहा था मैंने इससे पूछा कि तुम्हें यह कमाल कैसे हासिल हुआ इसने कहा मैं हवाए नफ्स पर कदम रख कर हवा में उड़ जाता हूँ हज़रत मोहम्मद बिन फजल बल्खी अलैह फरमाते हैं कि मुझे इस शख्स पर ताजुब होता है जो नफसानी ख्वाहिश को लेकर खाना काबा जाता है और इसकी ज़्यारत करता है वो हवाए नफ्स पर कदम क्यों नहीं रखता ताकि वह हक ताला तक पहुँचे और इसका दीदार पाए निफसानी शहवत नफ्स की सबसे बढ़कर जहरी सिफ्त शहवत है और शहूत के मानी आदमी के तमाम आजाम इंतशार पैदा होना है बंदे को इनके तहफ्ज की तकलीफ दी गई है कयामत के दिन हर एक उज़ू के अफाल की बाबत सवाल होगा चुनाचे आँख की शहवत देखना कान की शहवत सुनना नाक की शहवत सूंघना जुबान की शहवत बोलना तालों की शहवत चखना जिसम की शहवत छूना और सीना की शहवत सोचना है लिहाजा तालिब पर लाज़िम है कि वो अपने वजूद का हाकिमन निगेबान बने और दिन और रात इसकी हिफ़ाजत करे यहाँ तक के ख़्वाहिश के हर दाया को जो इसमें ज़ाहिर हो अपने से जुदा कर दे और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि वो इसे वो सिफ़्त अता फ़रमाए ताकि इसके बातिन से हर ख़्वाहिश दूर हो जाए क्योंकि जो शहवत के भंवर में फँसता रहता है वो हर लिहाज से महजूब रहता है अगर बंदा अपनी ताकत से इसे दूर करना चाहे तो ये बंदे के लिए सख्त दुशवार होता है और इसके जिनस का ववद पैदर पै होता रहता है इसका चारकार तरीके तस्लीम है ताकि मुराद हासिल हो मकाम इबरत हजरत अबू अली सयाह मरूजी रहमतल्ला फरमाते हैं कि मैं एक दिन हमाम में गया और सुन्नत के मुताबिक उस तरह इस्तेमाल कर रहा था मैंने अपने दिल में सोचा कि ए अबू अली इस उज्व को जो तमाम शहवतों की जड़ है और इसे तुझे कितनी आफतों में मुबतला होना पड़ता है इसे अपने से जुदा करके क्यों नहीं फेंक देता ताकि तू शहवत की हर आफत से महफूज रहे इसी लम्हा एक आवाज़ महसूस हुई कि ए अब अली तुम हमारे मिल्क में तसरफ कर रहे हो हमारे बनाए हुए किसी उज्व से कोई दूसरा उज्व ज्यादा बेहतर नहीं है मुझे अपनी इज्जत की कसम अगर तुमने इसे काट कर फेंक दिया तो मैं तुम्हारे हर बाल को सौ गुना शहवत देकर इसका काय मुक़ाम बना दूंगा इसी मफहूम में ये शेर है तू एहसान का मुतलाशी है अपने एहसान को छोड़ कौफ़े खुदा से सब को छोड़ दे इसी में तेरी राहत है बंदे के लिए इसके जिस्म के किसी हिस्सा की बिना पर फसाद नहीं है बल्कि तब्दीले सिफ्त में खराबी व फसाद है और तोफ़ी के इलाही और तस्लीम और अमरों नवाही ही में अपने तसरफ इख्तियार और क़वत के ज़रिया तगैर व तब्दील से ख़राबी पैदा होती है दर हकीकत जब तस्लीम का मरतबा हासिल हो जाता है तो इसमें असमत हिफाजत आ जाती है और बंदा खुदा की हिफाजत में रहकर मुजाहिदे के मुकाबला में ज़्यादा महफूज और फनाए आफत में नज़दीक तर हो जाता है इसलिए कि मक्खी को झाड़ू से दूर करना आसान है बमक़ाबला लाठी के लिहाजा खुदा की हिफाजत तमाम आफतों से बचाने वाली है और तमाम इल्लतों को दूर करने वाली है और किसी सिफत में भी बंदा इसका शरीक नहीं है जैसा कि इसका इर्शाद है कि इसके मिल्क में कोई तसरफ कर ही नहीं सकता जब तक कि असमत इलाही मुकद्र ना हो जाए बंदा अपनी कोवतों से महफूज नहीं रह सकता अगर तोहफी के इलाही मुयसर ना हो तो इसकी तमाम कोशिशें रायगा और बेफायदा हो जाती हैं बंदे की तमाम कोशिशें दो ही सूरतों के लिए हो सकती हैं या तो इसके लिए कोशिश के जरिए अपनी जानब से तकदीर इलाही को बदल दे या तकदीर के खिलाफ अपने लिए कोई और चीज़ बनाए हालांकि ये दोनों सूरतें मुमकिन नहीं हैं ना तो कोशिश से तकदीर को बदला जा सकता है और ना बगैर तकदीर के कोई काम हो सकता है अटल तकदीर की मिसाल हज़रत शिबली शिबलीमान जब बीमार हुए तो एक तबीब इनके पास आया और इसने मशवरा दिया कि परहेज़ किया जाए आपने पूछा किस चीज़ से परहेज़ किया करूँ इससे जो मेरी रोज़ी है या इस चीज़ से जो मेरी रोज़ी नहीं है अगर परहेज़ रोजी से मुतलक है तो ये मुमकिन ही नहीं अगर इसके सिवा कुछ और है तो वो अल्लाह ताली मुझे देता ही नहीं जिसे मुशाह हासिल हो जाता है वो मुजाह नहीं करता इस मसला को किसी और जगह मज़द बयान करूँगा नंबर सात फ़िरकए हकीमिया फ़िरकए हकीमिया के पेशवा हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली हकीम तेरमी रहमतुल्ल अ जो अपने ज़माना के इमाम वक्त तमाम ज़ाहरी वातनी अलूम के माहिर साहिब तसनीफ़ कसीरा हैं इनके मज़हब की खसूसियत इस बात विलायत और इसके कवायद दर्जात का बयान है आप हकीकत के मानी और ओलिया के दर्जात इस तरतीब और ऐसे अंदाज से वाज फरमाते थे गोया वो एक बहरब पाया थे जिसमें बकसरत अजीबो गरीब चीज़ें थीं इनके मज़हब की इब्तदाई वजाहत यह है कि वो हर शख्स को ये बताना और सिखाना चाहते थे कि ओलिया अल्लाह की शान ये है कि हक ताला इनको दुनिया में बरगजीदा करके इनकी हिम्मतों को मतलब से जुदा करके और नफ्सो हवा के हर दाइया से मुनजा बनाकर किसी न किसी दर्जा पर फायज फरमाता है और जो मानी का दरवाज़ा इन पर खोल दिया गया है इसका कलाम तवील है चंद असूल व कवायद के लिए भी शरह दरकार है अब मैं बरसवील अख्तसार इस तहकीक को जाहिर करता हूँ और इनके कलाम के अस्बाब असाफ बयान करता हूँ इस्बात विलायत की बहस वाज रहना चाहिए कि तसवफ व मार्फत के तरीका के असूल व कवायद और तमाम विलायतों की पहचान और इस बात के सिलसिला में इतना जान लेना काफ़ी है कि तमाम मशाइ का इस पर इतफाक़ है अलबत् हरेक ने विलायत का इस्बात जुदागाना अंदाज में पेश किया है अलबत् हरेक ने विलायत का इस्बात जुदागाना अंदाज में किया है चुनाचे हकीम तिरमजी हकीकत तरीकत के मानी के बयान अतलाक़ में खास कमाल रखते थे विलायत की तहकीक विलायत वाओ के जबर से इसके लगवी मानी तसरफ करना है और विलायत वाओ के ज़ेर से इसके मानी अमारतोकूमत तो के हैं दोनों का मुसदर बरवजन फ़ेल विलायत है नीज़ विलायत के मानी रबूबियत के भी हैं जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है खुनालिकल वलन या तो लाक के अलहफ़ आयत चवालिस इस जगह विलायत यानी रबूबियत अल्लाह ताल ही का हक़ है क्योंकि कुफार इससे अल्तजा करते हैं और अपने खुदाओं से इजहार बेजारी करती हैं नीज विलायत के एक मानी मोहब्बत के भी हैं लफ्स वली की तहकीक लफ्ज वली के वजन पर मफूल के मानी में भी मुमकिन है जैसा के इर्शाद बारी ताला है के वाह हुआल अल्लाह ताला नेकों का कारसाज है क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को इनके अफआलो और साफ के साथ नहीं छोड़ता और अपनी हिफाजत पनाह की चादर में छुपा लेता है और यह भी मुमकिन है कि लफ्स वली इसमें फाइल के माना में मुबालगा के तौर पर आया हो क्योंकि बंदा तात में खूब मोहब्बत का इजहार करता है और इसके हकूक की हमेशा निगहबानी करता है और इसके गैर से मुंह मोड़ लेता है ऐसा शख्स मुरीद कहलाएगा और अल्लाह ताला मुराद ये तमाम मानी हक का बंदे के साथ होना या बंदह का हक के साथ होना दोनों सूरतों में जायज़ हैं ये भी जायज़ है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का मददगार हो क्योंकि इसने इनकी मदद का वादा फरमाया है जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने इन दोस्तों से नबी करीम अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं मदद का वादा करते हुए फरमाया कि अला नसरल्ला ही करीब आगाह रहो अल्लाह की नुसरत करीब है नीज इरशाद है व इनकाफरीना ला मौला लहुम लहुम इला नासिरा मोहम्मद यकीन काफिरों का कोई मौला यानी मददगार नहीं है जब काफिरों का कोई मददगार नहीं है तो ला मोहला मुसलमानों का कोई मददगार ज़रूर होना चाहिए जो इनकी मदद करे और वो अल्लाह ताला है जो आयातो दलाल के लाने में इनकी अकलों के और मानी के बयान करने में और इनके इसरार मुकशि करने के लिए इनके दिलों के दरवाजे खोल देता है और तमाम मुसलमानों को शैतान की मुखालफत और अहकाम इलाहिया की मुताबित करने में मदद देता है दूसरे ये भी जायज़ है कि मोहब्बत खुलत में इन्हें मखसूस फरमा कर दुश्मनी के मकाम से महफूज रखे जैसा कि इरशाद है यूहिब्ब हम व यूहिब्बूना अलमादा आयत चवन वह खुदा से मोहब्बत करते हैं और खुदा इन्हें महबूब रखता है ताकि इनकी दोस्ती खुदा के लिए हो और इन्हें दोस्त रखे और यह भी जायज़ है कि किसी को विलायत अता फरमा कर तात पर कायम रखे और अपनी हिफाजत पनाह में रखे ताकि वो इतायत इलाही पर कायम रहें और इसकी मुखालफत से इज्तनाब करें यहाँ तक कि इनकी हुसन तात को देख कर शैतान जलील होकर भागे और यह भी जायज़ है कि किसी को विलायत इसलिए अता फ़रमाए कि इसकी अकदा कुशाई से मुल्क में अकदा कुशाई हो और तमाम बंदोबस्त और अमूरे तकवीनिया इनके कब्जा में देकर इनकी दुआओं को मुस्तजाब और इनके अनफास को मकबूल बनाए जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बक़सरत बंदगाने खुदा परेशान हाल गुबार आलूद, बाल बिखरे कपड़े फटे ऐसे हैं जिनकी लोग परवाह नहीं करते अगर वो किसी मामला में अल्लाह की कसम खाएं तो अल्लाह इनकी कस्मों को ज़रूर पूरा करता है फारूक़ आज़म रज़ी अनहों की हकी़ी इमारत की मिसाल मशहूर वाक़ है कि सयदना फ़ारूक़ आज़म उम्र बिन खताब रज़ी अला के दौरे खिलाफत में हसब कदीम दरियाए नील का पानी खुश हो गया चूँकि ज़मान जाहलीत में दस्तूर था कि हर साल एक जवान खूबसूरत लड़की जेवरात से आरास्ता करके दरिया की भींत चढ़ाई जाती थी तब जाकर दरिया जारी होता था मिस्र के गवर्नर ने यह वाक़ लिख कर आपकी खिदमत में भेजा आपने गवर्नर के हुक्म की तोसी करते हुए एक कागज़ के पर्चा पर लिख कर अरसाल फरमाया और गवर्नर को हुक्म दिया कि ये रुका दरियाए नील में पढ़कर डाल दें इस रुका पर तहरीर था कि ऐ पानी अगर तू अपनी मर्जी से रुका है तो जारी ना हो और अगर खुदा के हुक्म से रुका है तो उम्र कहता है कि जारी हो जा जब रुका पड़कर पानी में डाला गया तो पानी जोश मारता हुआ जारी हो गया इसके बाद आज तक इसका पानी खुश्क नहीं हुआ फ़ारूक़ आज़म रज़ी आनों की ये इमारत हकीकी थी मेरी मुराद विलायत और इसके इस्बात से यही हकीकी इमारत है अब तुम समझ लो वली का नाम इसी के लिए जायज़ है जिसमें मस्कूर मानी मौजूद हों जैसा कि हमने बयान किया है और वो साहब हाल हो ना कि साहेब कॉल और मालिक बहसे वजदाल इसीलिए गुजश्त मशाइ ने इस सिलसिला में बकसरत किताबें तस्नी फरमाई हैं जो नायाब होती जा रही हैं अब साहिब मजहब हज़रत हकीम तिरमजी रमतुल्ल की मुराद और इसकी खूबियां बयान करता हूँ क्योंकि मुझको इनसे हद दर्जा हसन अक़़दत है खुदा करे कि हर तालिब राह हक और इस किताब के पढ़ने वाले को फ़ायदा पहुँचे और सदत हासिल करे वाज रहना चाहिए कि लफ्स वली लोगों में बहुत मुश्तमिल है और किताब सुन्नत इस पर को शाहिद है नाम वली के इतलाक़ अल्लाह फरमाता है अलायानून यूनस आयत बासठ खबरदार अल्लाह के औलिया वो हैं जिन पर ना खौफ होता है और ना हजनो मलाल और इर्शाद है नहनुलिया उमो फिलहत दुनिया वफिल आखिर आयतिक हम तुम्हारी दुनियावी और उखरवी जिंदगानी में मददगार हैं और इर्शाद है अल्लाह वलीयन आ मनु ई ईमानदारों का मददगार अल्लाह ही है हजूर अक्रम सरमायाबाद याबियाऊ व शुहदा बिलाशुबा बंदगा खुदा में से कुछ बंदे ऐसे हैं जिन पर अम्बिया रश करते हैं सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्ला सिर्फ़ हमल लना नब्बु हम या रसूल अल्लाह हमें इनकी पहचान बताइए ताकि हम इनसे मोहब्बत कायम रखें आपने फरमाया, ये लोग वो हैं जो मालूम मेहनत के बग़ैर सिर्फ ज़ात इलाही से मोहब्बत रखते हैं इनके चेहरे नूर के मीनारों पर रोशन व ताबा हैं लोगों के खौफ के वक्त ये बेखौफ और इनके गमों के वक्त ये बेग़म हैं फिर आपने ये आए तिलावत फरमाई कि बेशक अल्लाह के अलिया वो हैं जिन पर ना खौफ है और ना हजनो मलाल एक हदीसे कुत्सी में अल्लाह ताला फरमाता है मन वलिया अन महारिबती जिसने मेरे वली को ईजा दी इससे मेरा लड़ना हलाल हो गया किताबो सुन्नत के इन दलायल से मुराद ये है औलिया अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह ताला ने इनको अपनी दोस्ती विलायत से महफूज करके अपने मुल्क का वाली बनाया है और इनके अहवाल को बरगजीदा करके अपने फेलो इजहार का मरकज बनाया है और मतद्द करामतों से सरफराज करके इनकी तबाह की आफतों और नफसो हवा की पैरवी से पाको मुनज्जा फरमाया है ताकि इनके तमाम इरादे खुदा के लिए ही हों और इनकी मोहब्बत इसी से हो जमाना माजी में हमसे पहले भी अलिया अल्लाह गुजरे हैं और आज भी मौजूद हैं और क़यामत तक होते रहेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को तमाम गुजशत उम्मतों पर शराफत बजुर्गी अ फ़रमाई है और ज़मानत दी है कि मैं अली मोहम्मदियाेबुम असलात वसलाम की हमेशा हिफाज़त फरमाऊँगा। इस पर दलाइल नकलिया और बराहीन अकलिया के दरमियान आज भी मौजूद हैं और गैबी दलाइल भी कि अलिया अल्लाह और ख़ासान खुदा का मौजूद होना ज़रूरी है इस मसला में हमारा इख्तिलाफ़ दो गरोहों से है एक मतज़िला से दूसरे हशवियों से मतज़िला ईमानदारों में से एक दूसरे पर तहसीस का इनकार करते हैं हालांकि वली के खास होने से इनकार करना नबी के इनकार को मुस्तलम है और ये कुफ्र है और आम हशवी अगरचे तखसीस को जायज़ तो रखते हैं लेकिन साथ ही ये कहते हैं कि वली हुए तो हैं लेकिन आज नहीं हैं हालाँकि माजी वालकबिल का इनकार सब बराबर है इसलिए कि इनकार का एक रुख दूसरे रुख से ज़्यादा बेहतर होता है लिहाजा अल्लाह तला ने ब्राहन नबूवत को आज तक बाकी रखा है और अलिया को इसके इजहार का सबब बनाया है ताकि आयात हक़ और हजूर अक्रम सल वसलम की सदाकत के दलायल हमेशा ज़ाहिर होते रहें अल्लाह ताला ने औिया को जहान का वाली बनाया है जहाँ तक कि वो खालिद सन्नत नब्बी वसल्लम के पैरोकार होकर रहे और नफ्स की पैरवी की राहों को छोड़ दिया आसमान से रहमतों की बारिश उन्हीं के कदमों की बरकत से होती है और ज़मीन में जो कुछ उगता है वो उन्हीं की बरकत और इनके अहवाल की सफाई की बदौलत पैदा होता है काफिरों पर मुसलमान की फ़तह याबी इन्हीं के इरादे से है मखफी ओलिया की तादाद ओलिया अल्लाह में से चार हज़ार तो वो हैं जो पोशीदा रहते हैं वो ना तो एक दूसरे को पहचानते हैं और ना अपने हाल की खूबी व जमाल को जानते हैं इनकी हालत खुद अपने से और तमाम लोगों से पोशीदा रहती है इस बारे में मतद्द अहादीस वारद हुई हैं और अलिया कराम के अकबाल इस पर शाहदो नातिक हैं मुझ पर ख़ुद बहमदुल्ला ऐसे मानी जाहिर हो चुके हैं ओलिया के अकसाम जो ओलिया की बारगाह के लश्करी और मुश्किल को हल करने वाले और हल शुदा को बंद करने वाले हैं उनकी तादाद तीन सौ है इनको अखियार कहा जाता है और चालीस वो हैं जिनको अब्दाल और सात वो हैं जिनको अबरार और चार वो हैं जिनको अवताद और तीन वो हैं जिनको नकबा और एक वो है जिसे कतब और गौस कहा जाता है येलिया वो हैं जिन्हें एक दूसरे पहचानते हैं और अमूर दूसरे की इजाज़त के मोहताज होते हैं इस पर मरवी सही हदीसे नातिक हैं और अहले सुन्नत और जमात का इनकी सेहत पर इजमा है यहाँ शरहोबशत की गुंजाइश नहीं है ऐतराजात और इनके जवाब आम लोग ऐतराज़ करते हैं कि मैंने जो ये कहा कि ये एक दूसरे को पहचानते हैं कि हर एक इनमें से वली है इससे लाजिम आता है कि वो अपनी आकबत से बेखौफ हो, हालांकि ये मुहाल है कि मार्फत इलाही और मनसब विलायत बेखौफ़ी का इकतजा करें इसका जवाब यह है कि जब ये जायज़ है कि मोमिन अपने ईमान का आरिफ होते हुए बेखौफ नहीं होता तो ये भी जायज़ है कि वली अपनी विलायत का आरफ होते हुए बेखौफ ना हो दूसरा जवाब यह है कि यह भी जायज़ है कि हक ताल करामत के तौर पर वली को इसके हाल की सेहत और मुखालफत पर ख़ुदा की हिफाजत बताकर इसे अपनी आकेबत के महफूज होने पर आरिफ और मशर्रफ फरमा दे चूंकि इस जगह मशा का अख्तलाफ है और अख्तलाफ की वजह मैंने जाहिर कर दी है ये कुछ ओलिया वो हैं जो छुपे रहती हैं जिनकी तादाद चार हज़ार है इनको अपने विलायत से आगाही जायज़ रहीं लेकिन मशा की एक जमात ऐसी है जो इस आगाही को जायज़ रखती है तो ये वो ओलिया हैं जिनकी तफसील इसके बाद बयान की गई है बकसरत कहाव मुतकलम पहले गरोह की भी मुफिकत करते हैं और दूसरी जमात के नज़रिया की भी चुनाचे उस्ताद अबू इसहाक इसफरानी और मुक्तमीन की एक जमात का मजहब यह है कि वली अपने आप को नहीं पहचानता कि वो वली है और उस्ताद अबू बकर बिन मोजिक और मुक्तदमीन की एक जमात का मजहब ये है कि वली अपनी विलायत को पहचानता है जब वो पहले ग्रोह से दरियाफ्त करते हैं कि वली को अपनी आगाही में क्या आफत व नुकसान है तो वो कहते हैं कि आगाह होने पर वो अजबो गरूर में मुबतला हो जाते हैं इस पर हम कहते हैं कि विलायत की शर्त तो ये है कि वो हक्के तला की हिफाजत में रहकर हर आफत से महफूज रहे भला खुदा की हिफाजत में रहकर इस पर अजब अजबर का सदूर जायज़ ही कब है और ये बात तो बहुत ही आमियाना और बूदी है कि जो वली हो और इससे हर के आदात और करामतों का सदूर भी हो फिर भी वो इतना ना जाने कि मैं वली हूँ और यह कि ये करामते हैं अवाम में से कुछ लोगों ने पहले गरोह की तकलीद की और कुछ लोगों ने दूसरे ग्ररोह की अब इनकी बातों को काबिल ऐतना नहीं समझा लेकिन मतजजिला तो सिरे से तहसीसे ईमान और करामतों ही का इनकार करते हैं हालांकि विलायत की हकीकत तखसीस और करामत ही से है मतजजिला कहते हैं कि तमाम वो मुसलमान जिन्होंने ईमानी अहकाम को कायम रखा और हक की फर्मा बरदारी की वो सब अलिया अल्लाह हैं और जिसने ईमानी अहकाम को कायम ना रखा सिफ़ात इलाही और दीदार खुदा का इनकार किया मोमिन के लिए खलूद दो को जायज़ रखा और अम्बियाओमसलिन की बासत और नजूल कुत्ब समाविया के बग़ैर महज अकल के जरिए अहकाम के जवाज़ का कायल हुआ इनके नज़दीक वो वली है बिलाशुबा जिसके मतदाद ऐसे हों तमाम मुसलमानों के क़रीब वो वली है मगर वो खुदा का वली नहीं बल्कि शैतान का वली होगा नाउजबिल्ला मिनहमा मतजज़िला ये भी कहते हैं कि विलायत के लिए अगर करामत वाजब होती तो लाजम था कि हर मुसलमान के लिए करामत होती क्योंकि तमाम मुसलमान ईमान में मुश्तरक हैं जबकि वो असल में मुश्तरक हैं तो वो फरो में भी मुश्तरक होंगे इसके बाद वो कहते हैं कि यह जायज़ है कि मुसलमान और काफिर से करामत सादर हो जाए और ये ऐसा ही होगा जैसा कि सफ़र में कोई भूखा हो और इसे कोई मेज़बान मिल जाए और खाना खिला दे या थका हुआ हो और इसे कोई इस सवारी मिल जाए वगैरह वगैरह वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी के लिए तवील मुसाफत एक रात में तय करना जायज़ होता तो हजूर अक्रम वसल्लम के लिए भी ये बात जायज़ होती हालांकि जब आपने मक्का बकर्रमा का अज़म फरमाया तो अल्लाह फरमाया कि वह बला दिन लम बली अ बिशिक अनफुसी अल्लाहल आयत आयसाथ और वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं ऐसे शहर की तरफ कि तुम इस तक ना पहुँचते मगर अधमरे होकर इसके जवाब में हम कहते हैं कि तुम्हारा ये कौल बातिल है इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है सुबह असरा बिअ दि मिनल मस्जिदिलहरामी अल मस्जिद बनी इसराइल एक पाक है वो ज़ात जो अपने बंदा खास को रात के मुख्तसर हिस्सा में मस्जिद हराम से अक्सा तक ले गया लेकिन जिस आयत को तुम पेश करते हो इसमें बोझ उठाने के मानी सहाबा रजीम को जमा करके इनको मक्म मकरमा की तरफ ले जाना है क्योंकि करामत ख़ास है आम नहीं है अगर करामत से इन सब को मक्का मकरमा ले जाते तो करामत आम हो जाती और ईमान बिल जरूरी ना रहता और ग़ैबी ईमान के साथ अहकाम और ग़ैबी खबरों का वजूद सब जाता रहता क्योंकि ईमान मतय आसी में महल अमूम है और विलायत में महल ख़ास लिहाजा अल्लाह ताला ने इस तकम को महल आम नहीं रखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम की मवाफिकत पर बोझ उठाना फरमाया है और अल्लाह ताली ने दूसरी जगह हुक्म को महल खास में रखा और अपने नबी वसल्लम को रात के मुख्तसर हिस्सा में मक्का से मुकद्दस तक ले गया इसके बाद वहाँ से काब कौसैन और आलम के दोनों किनारों पर ले जाकर सब कुछ दिखाया और जब वापस तशरीफ लाए तो रात का बेशतर हिस्सा बाकी था खुलासा यह कि ईमान का हुक्म आम है और आम लोगों से मुत्ल है और करामत का हुक्म ख़ास है और ख़ास लोगों से वाबस्ता है तखसीस का इनकार तो खुला मुकाबरा और हठधर्मी है इसे यूं समझो जैसे कि बादशाह के दरबार में हाजिब दरबान अमीर और वजीर होते हैं हालांकि ख़िदमत नौकरी के अतबार से वो सब बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे पर फ़र्क के मरातब के लिहाज से फ़ौकियत हासिल होती है इसी तरह ईमान की हकीकत में तमाम मुसलमान बराबर हैं इसके बावजूद कोई आसी कोई मती कोई आलिम और कोई जाहल है इसी बिना पर खसूसियत के इनकार से हर मानी का इनकार साबित होता है वल्ल आलम विलायत के रमूज इशारात विलायत के मानी की तहक़ीक में मशा के मतद्द रमूज इशारात हैं हतल मकदूर इनके मुख्तार रमूज को बयान करता हूँ नंबर एक हजरत अबू अली रहमतुल्लाह है रहमतल्ला फरमाते हैं कि वली वो है जो अपने हाल में फ़ानी और मुशाह इलाही में बाकी है इसके लिए मुमकिन ना हो कि अपने हाल की खबर दे और ना इसे गैर गैरल्ला से सुकून करार हासिल हो क्योंकि खबर देना तो बंदे के अहवाल के कबील से ताल्लुक रखती है जब बंदे के अहवाल ही फना हो गए तो इसकी खबर देना कैसे दुरुस्त होगा जब वो खुदा के सिवा किसी से आराम पा ही नहीं सकता तो अपने अहवाल की खबर किसी दूसरे को कैसे दे सकता है क्योंकि अपने हाल की खबर किसी दूसरे को देना गोया हबीब के इसरार को मुनक करना है जो गैबी हाल से मुतालिक है और हबीब के इसरार का गैर हबीब पर मुहाल है नीज जब वली मुशाहदे से होता है तो मुशाहदे में गैर की रोयत मुहाल होती है जब गैर की रोइत तक का इम्कान नहीं तो गैर से सुकून वरार तो बैद अज क्यास है नंबर दो हज़रत जुनेद बगदादी बदी रहमतुल्ल है फरमाते हैं कि इस इर्शाद का मतलब यह है कि वली को खौफ नहीं होता क्योंकि खौफ इस मकर चीज़ को कहते हैं जिसके आने से दिल में नागवारी या जिसम पर कोई सख्ती आए या हासिल शुदा महबूब चीज़ के गुम होने का खदशा हो वली के पास इतना वक्त ही कहाँ कि वो आने वाले लम्हत का खौफ करे जिस तरह वली को खौफ नहीं होता इसी तरह इससे उम्मीद भी नहीं होती इसलिए उम्मीद नाम है कि किसी महबूब चीज के हासिल होने का इंतजार करना या किसी नागवार चीज के दूर होने का इंतजार करना ये दूसरी बात भी वक्त के कबील से है और इनके पास इतना वक्त होता ही नहीं इसी तरह वली को कोई गम भी नहीं होता क्योंकि गम वक्त की तिल है जो शख्स रजा की रोशनी और शुक्र की चांदनी में हो इसे गम कहाँ अल्लाह ताला इसी की खबर देता है कि खबरदार अल्लाह के वलियों के लिए ना कोई खौफ है और ना कोई गम फ़िक्र। इस कॉल से अवाम ये ख्याल करते हैं कि ओलिया को जब ना कोई खौफ गम है और ना उम्मीद रजा तो जरूर इन्हें अमन होगा हालांकि इन्हें अमन भी नसीब नहीं क्योंकि अमन गैब के ना देखने और वक्त के मुंह मोड़ने से ताल्लुक रखता है ये तमाम औसाफ इनके होते हैं जिन्होंने अपनी बशरियत को ना देखा हो वो तो हर सिफ्त से बेनियाज हो सकते हैं खौफ गम और उम्मीद सब नफ्स के नसीबा में है जब बंदा अपने नफ्स को फना कर लेता है इस वक्त बंदा की सिफत रजा व तस्लीम बनती है और जब रजा का हसूल हो गया तो मुशाह इलाही में इस तकामत पैदा होकर तमाम अहवा से किनारा खुशी जाहिर हो गई फिर कहीं जाकर विलायत दिल पर मुनकशिफ होती है और इसके मानी बातिन पर जाहिर होते हैं नंबर तीन हजरत अबू अबुस्मान मगरबी अलह रहमा फरमाते हैं कि वली मशहूर तो हो सकता है लेकिन फितना में नहीं पड़ सकता नंबर चार एक बजुर्ग बयान फरमाते हैं वली गुमनाम तो हो सकता है लेकिन मशहूर नहीं हो सकता इन बुज़ुर्गों के नज़दीक वली की गुमनामी की वजह यह है कि वो शहरत से बचता है क्योंकि शहरत में फितना होता है इस पर हज़रत अबू उस्मान ने फरमाया है कि जायज़ है कि वली मशहूर हो लेकिन इसकी शहरत मौजिब फितना ना होगी इसलिए झूठी शहरत में फितना होता है मगर जब वली अपनी विलायत में सादक है तो ये शहरत मोजिब फ़ितना नहीं और झूठे पर विलायत का इतलाक़ नहीं होता और झूठे के हाथ पर करामत का जहूर भी नामुमकिन महाल है इसी इर्शाद के बौजब लाज़िम आता है कि सादक वली के ज़माना से फितना दूर हो जाता है और इन दोनों कौल से ये बात भी मुतरश होती है कि वली खुद को नहीं पहचानता कि वो वली है क्योंकि अगर आगाही हो जाए तो मशहूर हो जाएगा और अगर आगाही ना हो तो फितना में पड़ जाएगा इसकी तशरीह तवालत चाहती है यहाँ इसकी गुंजाइश नहीं के विलायत की मिसाल नंबर पाँच हज़रत इब्राहिम अदम अलह रहमा ने एक शख्स से पूछा क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के वली हो जाओ इसने कहा ख्वाहिश तो है आपने फरमाया ए अजीज़ दुनिया व आख़रत की किसी चीज़ से रगबत ना रखो क्योंकि दुनिया की तरफ रागब होना हक ताला की तरफ से मुंह मोड़कर फ़ानी चीज़ की तरफ मुतव होना है और उखरवी चीज की रगबत रखना गोया हक ताला की जानब से मूड़ मोड़ना है जब फानी चीज से एराज हो तो वो फानी चीज़ फना हो जाती है और एराज नाबूद हो जाता है और जब किसी चीज से एराज बाकी हो तो बका पर फना जायज नहीं है लिहाजा इस आराज पर भी फना जायज़ नहीं इस कॉल से ये नतीजा निकलता है कि अपनी दुनिया व आखरत की खातर अल्लाह तला को ना छोड़ो आखिर में हज़रत इब्राहिम ने नसीहत फरमाई कि अपने आप को खुदा की दोस्ती के लिए वक्फ कर दो दुनिया दुनियावाखरत को अपने दिल में राह ना दो और दिल का लगाओ सिर्फ खुदा ही के साथ हो जिस वक्त ये ओसाफ तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएंगे तो तुम वली बन जाओगे शरीयत की पास्तारी नंबर छः हज़रत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा वली कौन है उन्होंने फरमाया वली वो है जो अल्लाह ताला के अमरों नहीं के तहत सब्र करे क्योंकि जिसके दिल में मोहब्बत ज़्यादा होगी उतनी ही वो इसके हुक्म की दिल से ताज़ीम करेगा और इसकी मुखालफत से दूर रहेगा नीज़ ये भी इन्हीं से मरवी है कि एक मरतबा लोगों ने मुझे बताया कि फ़लाँ शहर में अल्लाह का एक वली रहता है मैं उठा और इसकी ज़्यारत की गर्ज से सफ़र शुरू कर दिया जब मैं इसकी मस्जिद के पास पहुँचा तो वो मस्जिद से निकल रहा था मैंने देखा कि मुंह का थूक फर्श मस्जिद पर गिर रहा है मैं वहीं से वापस लौट पड़ा इसे सलाम तक न किया मैंने कहा कि वली के लिए शरीयत की पासदारी ज़रूरी है ताकि हक्के तला इसकी विलायत की हिफ़ाज़त फ़रमाए अगर ये शख्स वली होता तो अपने मुंह के थूक से मस्जिद की ज़मीन को आलूदा ना करता इसका एहतराम करता उसी रात हजूर अक्रम सल्ह को ख्वाब में देखा हजूर अक्रम सलम ने मुझसे फरमाया ए बाजीद जो काम तुमने किया है इसकी बरकते तुम जरूर पाओगे दूसरे दिन ही मैं इस दर्जा पर फायज हो गया जहां आज तुम सब मुझे देख रहे हो नंबर सात हजरत अबू सईद रहमतल्ला की खदमत में एक शख्स आया इसने मस्जिद में पहले बाया कदम रखा उन्होंने हुक्म दिया कि इसे निकाल दो जो शख्स दोस्त के घर में दाखिल होने का सलीका नहीं रखता वो बाया कदम रखता है वो हमारी मजलिस के लायक नहीं मुल्हदों की एक जमात इस बुजुर्ग के साथ तल्लु का इजहार करती है खुदा इन पर लानत करे वो मुलदीन कहते हैं कि खिदमत यानी इबादत इतनी ही करनी चाहिए जिससे बंदा वली बन जाए जब वली हो जाए तो खिदमत व इबादत खत्म ये खुली गुमराही है क्योंकि राह हक में कोई मुकाम ऐसा नहीं है जहां खिदमत व इबादत के अरकान में से कोई रुकन साक़त हो जाए इसकी तशरीह अपनी जगह आएगी